नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाए गए कर्फ्यू से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है और एक बार फिर से सामान्य जीवन पटरी पर लौट सकता है। योगी सरकार प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू को हटाने पर विचार कर रही है। वहीं प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रह सकता है, लेकिन इस फैसले पर केंद्र का निर्देश भारी पड़ सकता है, जिसमें 30 जून तक कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन का कहर कुछ कम होने के बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत देने का मन बना रही है। सरकार प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी में है। प्रदेश में कोविड के मामले कम हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस लगातार पांव पसार रहा है। इसके बावजूद यहां पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि सरकार 1 जून से बाजार पर लगी हुई पाबंदियों को हटा सकती है और दफ्तरों को भी सीमित संख्या में खोल सकती है। सरकार के इस कदम से लोगों को राहत भी मिलेगी और इसके साथ ही सख्ती भी रहेगी। हालांकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि 30 जून तक सख्ती को बरकरार रखा जाए। यदि कहीं पर केसेस कम है तो फिर राज्य सरकारें अपनी तरफ से निर्णय ले सकती हैं। केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को इस बाबत पत्र भी भेजा है। गृह मंत्रालय की तरफ से हर राज्य के मुख्य सचिव को जारी पत्र में कहा गया है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। उत्तर प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू का दायरा 1 जून से कम करने के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन रोकने के खातिर देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू के अपेक्षित परिणाम सामने आ रहे हैं। सभी राज्यों में संक्रमण की रफ्तार मंद पड़ने लगी है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने 1 जून से लॉकडाउन समाप्त करने या फिर कम करने की योजना बना ली है। सरकार अभी पूरी तरह से छूट नहीं देना चाहती है। सरकार को डर है कि इससे कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। इसी कारण अगले फेज में कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जाएगी। स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद में प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में रियायत दे सकती है। इसके तहत सरकार वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी कर सकती है, लेकिन वह अन्य कई गतिविधियों में छूट दे सकती है। इसमें सार्वजनिक स्थान पर लोगों के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 25 की जगह पर 50 लोगों के एकत्र होने की मंजूरी भी है। इसके अलावा विवाह से जुड़ी वस्तुओं की दुकानें, कपड़े की दुकानें, किराना, सब्जी व फल की दुकानों को भी खोला जाएगा। इसी क्रम में कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कामों को शुरू करने की भी मंजूरी मिल सकती है। सरकार फिलहाल तो शॉपिंग मॉल्स, फिल्म थिएटर्स एवं सैलून के साथ ही कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाली सारी दुकानें खोलने की योजना में नहीं है। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम पर पाबंदी जारी रहेगी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कैसे और कब कब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। प्रदेश में तारीख वार लगा कर्फ्यू। प्रदेश में 8 अप्रैल को उन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया जहां पर 500 से ज्यादा एक्टिव केसेस थे। इसके बाद 17 अप्रैल से पूरे प्रदेश में रविवार का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। 30 अप्रैल को कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जिसे एक दिन बाद 6 मई तक लगाया गया। 5 मई को कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक कर दिया गया। 9 मई को इसे बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया। इसके बाद 15 मई को कोरोना कर्फ्यू बढ़ाकर 24 मई तक किया गया। 23 मई को इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि कोरोना वायरस से बचाव को देखते हुए लॉकडाउन जून में भी जारी रखें। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड 19 के मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद भी अभी सख्ती करने की जरूरत है। इसको देखते हुए अभी कुछ राज्य 30 जून तक लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू लागू रख सकते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र में कहा है कि मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि कोरोना के नए केस और मामलों में कमी आने के बाद भी मौजूदा समय में उपचाराधीन मामलों की संख्या अब भी बहुत अधिक है।
यह महत्वपूर्ण है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। आज मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता में आए 7 साल पूरे हो गए हैं और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल हो गए। कोरोना संकट को देखते हुए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर इस अवसर पर कोई समारोह का आयोजन न करने की बात कही। उसकी जगह सरकारें जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती है। पार्टी आलाकमान की ओर से सभी बीजेपी शासित राज्यों को आदेश दिया गया है कि कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए योजना तैयार करें। इसके अलावा देश के सभी बीजेपी विधायकों और सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो 2 गांवों तक पहुंचे और लोगों की मदद करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से तैयार योजना के मुताबिक आज पार्टी के नेता 1 लाख गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता गांव में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, राशन जैसी जरूरत की चीजों की किट मुहैया कराएंगे और लोगों को वायरस से बचने के लिए जागरूक करेंगे। यही नहीं, मंत्रियों को भी कम से कम 2 गांवों का दौरा करने को कहा गया है। यदि मंत्रियों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है तो उन्हें वीडियो मीटिंग का आदेश दिया गया है। वैक्सीन की किल्लत और वैक्सीन पर हो रही सियासत के बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। वैक्सीन की 10 मिलियन डोज के लिए ये टेंडर जारी किया गया है, जिसके लिए बिड करने की आखिरी तारीख 7 जून शाम 5 बजे तक है। अब इस टेंडर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने सरकार दिल्ली पर वैक्सीन को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने ग्लोबल टेंडर को लेकर दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर किया है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक जितनी दूसरी राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किए थे उनके नतीजे बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं हो रहे। हमने उम्मीद पर किया है कि अगर कोई कंपनी आएगी तो अच्छी बात है। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। देश के लगातार दूसरे दिन 1.75 लाख से कम नए केस सामने आए। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में नए कोरोना केसों में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में लॉकडाउन से अनलॉक की तैयारी है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में बीते एक दिन में कोरोना के 1.75 लाख नए केस सामने आए, जबकि लगातार दूसरे दिन 3600 से अधिक कोविड मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में भारत में कोरोना के 1,73,790 नए केस सामने आए, जबकि 3,617 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 22 लाख से कम हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का करीब 8% है, जबकि COVID-19 के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर करीब 91% है और मृत्यु दर 1.16% है। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहे आरोपी मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए सरकार ने जेल जेट भेजा है। चौकसी फिलहाल कैरिबियाई देश डोमिनिका रिपब्लिक में है। जेट भेजने की पुष्टि एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राने ने एक इंटरव्यू में कही है। कहा जा रहा है कि इस जेट में मेहुल चौकसी से जुड़े सारे दस्तावेज भी भेजे गए हैं ताकि इसे डोमिनिका की कोर्ट में रखा जा सके। भारत सरकार इन दस्तावेजों से ये भी साबित करना चाहती है कि मेहुल चौकसी भगौड़े हैं, लिहाजा उसे तुरंत भारत को सौंप दिया जाए। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी इस वक्त डोमिनिका में सीआईडी की गिरफ्त में है। इससे पहले एंटीका की मीडिया ने भी डोमिनिका में एक जेट लैंड करने का दावा किया था। कहा जा रहा है कि यहां के चार्ल्स एडग्लस एयरपोर्ट पर कतर की बम्बार्डियर ग्लोबल 500 एयरक्राफ्ट में लैंड किया है। इस जेट के यहां आने से इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि मेहुल चौकसी को इनमें सीधे भारत भेजा जा सकता है। हालांकि ना तो भारत और ना ही डोमिनिका की सरकार की तरफ से इस तरह की कोई खबर की पुष्टि हुई है। बता दें कि जून को चौकसी मामले को लेकर डोमिनिका में सुनवाई होगी।
तीरथ सिंह रावत जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब एक बार फिर तीरथ सिंह रावत अपने एक ऐसे ही बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने दावा कर दिया है कि उत्तराखंड में आजादी के बाद से कभी चीनी नहीं दी गई। दरअसल शुक्रवार को ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट मीटिंग में चीनी देने का फैसला लिया था। इसके तहत 3 महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त में 2 किलो चीनी हर कार्ड पर 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। अपने इसी फैसले का गुणगान करते हुए उनकी जुबान फिसल गई। शनिवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ, दुख में, कष्ट में, आपदा में कभी भी नहीं मिली। हम चीनी 3 महीने दे रहे हैं, कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया है बजट। उनका ये भी बयान सामने आने के बाद विरोधियों को उन्हें घेरने का एक और मौका मिल गया। इससे पहले भी तीरथ सिंह रावत अपने विवादित बयानों को लेकर घिरते रहे हैं। आपके प्रयास से ही सब आगे बढ़ रहे हैं, काम हो रहा है लगातार। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार को 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे, वो भी कल पूरी तरह विकास के लेवल, जिस तरह केंद्र विकास के कार्यों को आगे कर रहा है, माननीय मोदी जी की बड़ी कृपा देश के है। इस उत्तराखंड के तो रोड़ों का जाल बिछ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पानी से लेकर के हर स्तर पर। ये मोदी जी का जो विजन है, यदि खाद्यान्न से कहूँ मैं, पिछली बार 9 महीना दिया था पिछले कोविड में, 3 महीने का कोटा इस समय दिया। खाद्यान्न हमने भी 3 महीने का कोटा प्रदेश सरकार ने, पिछली बार 7.5 किलो मिलता था, इस बार हमने 20 किलो कर दिया। ये बताने की जरूरत है। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ, किसी भी दुख में, कष्ट में, कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं, कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। दाल तो दे ही रहे, तो केंद्र सरकार की योजना भी उसके तहत भी दे रहे हैं, प्रदेश सरकार के तहत। उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1 जून से लॉकडाउन के दौरान राज्य में दुकानों और बाजारों को खोलने का समय विस्तारित करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री से ये अनुरोध किया है। गर्ग ने कहा कि बाजार के खुलने का समय बढ़ाने से व्यापारियों को घाटे से उभरने में कुछ हद तक सहायता मिलेगी। गर्ग ने संवाददाताओं से कहा, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के पदाधिकारियों और सदस्यों में सर्वसम्मति है कि वाणिज्यिक गतिविधियों की अवधि में विस्तार की जरूरत है। प्राइवेट अस्पतालों और होटलों की ओर से दिया जा रहा वैक्सीनेशन पैकेज को सरकार ने टीका अभियान का उल्लंघन बताया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को एक नोटिस जारी कर कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा होटलों के सहयोग से दिए जा रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन पैकेज राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी दिशा निर्देशों के खिलाफ है। सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण केवल सरकारी केंद्र या प्राइवेट अस्पताल द्वारा संचालित निजी केंद्र, सरकारी या निजी दफ्तरों पर ही किया जा सकता है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अस्थायी आधार पर घर के पास के केंद्रों पर भी टीकाकरण किया जा सकता है। इसलिए स्टार होटलों में किया गया टीकाकरण नियमों के खिलाफ है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी कर इन बातों का जिक्र किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि इन नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ जरूरी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो सुर्खियां बटोरने वाली तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।